दीपिका चिकालिया ने बताया कि उन्हें हॉलीवुड की फिल्म में ऑफर हो रही थी सीता के रोल पे टाइम, और उन्होंने सीता के रोल को चुना उन हॉलीवुड की मूवियों के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। दीपिका चिकालिया जो कि सीता का रोल निभा चुकी है रामायण में, एक ऐसी एपिक जो है जो कि आज तक याद की जाती है, 1987 में आई थी, और उसके बाद जो है ये सुर्खियों में ही चलती है। इवन दो कोविड के टाइम पे भी इसे दोबारा देखा गया और उन किरदारों को उतना ही प्यार तब मिलता था उतना प्यार अब मिलता है। पुरानी वाली जनरेशन तो भी अभी तक भगवान भी माना करती है, मगर इसी के बारे में जो है किस्सा सामने आया है वो ये है कि दीपिका चिकालिया को जो है उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो सीता का किरदार निभाने जा रही थी, उस टाइम पे उन्हें एक हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी, जिसके बारे में उनकी फ्रेंड ने एक मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान जिक्र करा। उन्होंने बताया कि दीपिका को उस टाइम पे एक हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हो रही थी और वो उसे उतने पैसे देने को तैयार थे जितने दीपिका 20 फिल्मों से कमा सकती थी। अगर वो 20 बॉलीवुड की फिल्में करती उतना वो एक हॉलीवुड की फिल्म देने वाली थी, मगर उन्होंने जो है उस टाइम पे सीता का जो रोल था उसका इंटरव्यू देने का ट्राई किया था और उनका सिलेक्शन हो गया था, जिस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हो जाता है उस टाइम पे जो है दीपिका ने कई सारे किरदार भी निभाए थे, जिसमें कि एक फिल्म का नाम था सुर मेरी लैला, जो कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ निभाई थी। तो कई सारे ऐसी कहानियाँ थी, ऐसे किस्से थे जो कि उन फिल्मों के किरदारों से जुड़े हुए थे, मगर उस टाइम पे जो है उनके सामने एक फैसला लेना था, वो ये था कि क्या उन सीता का किरदार चुनेंगी या फिर चुनेंगी वो एक हॉलीवुड की फिल्म जो कि उनका करियर भी बना सकती है। और उन्होंने जो चुना वो हम सभी लोग जानते हैं, उन्होंने सीता का किरदार चुना रामायण जो कि आज तक देखी जाती है, उस किरदार के लिए उन्हें पूजा भी जाता है। कई कई लोगों द्वारा उनके जज्बात उस किरदार से जुड़ चुके हैं। तो आपको सीता का किरदार, दीपिका की ये जो कुर्बानी है, जो जब भी आप रामायण के किरदारों में देखते हैं, वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको कौन सी वाले रामायण पसंद है, पुरानी वाली या नई वाली, वो वाली जिसमें राम जी बिना बॉडी के साथ थे, या फिर आदि पुरुष जैसी कोई नई वाली रामायण देखने का मन है आपका जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें।